हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी मीडियम में और हमारा टॉपिक है वृत्ति गति, सर्कुलर मोशन। वृत्ति गति का बेसिक पार्ट, बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको पढ़ा दिया है और हम ऊर्ध्वाधर मार्ग पर किसी पिंड की गति पढ़े हैं। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें वृत्ति गति का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन कवर करेंगे और वो तीन टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है वृत्ति सड़क पर कार की गति, कि जब वृत्ति सड़क होता है तो कार की गति कैसे होती है। दूसरा है बंकित सड़क पर कार की गति, यदि हम सड़क को बंकित कर दें। और तीसरा है साइकिल सवार की गति। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वृत्ति सड़क पर कार की गति। ठीक है, वृत्ति सड़क पर कार की गति, कार मतलब कोई भी फोर व्हीलर हो सकता है और उससे भी बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको रेफरेंस मान के बात कर रहे हैं। ठीक है, मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर पाथ, क्लियर। मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर रोड, ये किस तरह का टॉपिक है। आपने देखा होगा यदि हम कार ड्राइविंग कर रहे हो और जब हम कहीं सर्कुलर पाथ में वृत्ति सड़क के पार से गुजरे तो नेचुरली हम अपने कार की स्पीड को कम कर लेते हैं। यदि हम अपनी स्पीड को कम नहीं करते तो क्या होता है, आपको सबको पता है, कार पलट जाती है वृत्ति सड़क के केंद्र की ओर। खासकर बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि रोड स्लिपी हो जाता है तो कार पलट के गिर जाती है या ट्रक बड़े बड़े वाहन जो है पलट जाते हैं। तो यहाँ पर हमको स्टडी करना है कि एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है। देखिए, ये सपोज कोई वृत्ति रोड है, ये वृत्ति सड़क है और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया, सपोज आर इसकी त्रिज्या है, ये इसका सेंटर है। अब इसमें हम किसी कार की गति को शो करें, सपोज यहाँ पर मैं टॉय कार रखा हुआ हूँ, ये कार है और इस कार को यदि हम यहाँ से गति कराएं, इस तरह से देखो, इस तरह से हम इसको गति कराएं, तो जितने देर तक ये कार ये वृत्ति सड़क को पार करेगी उतने देर तक क्या होगा, उसका जो मार्ग है, उसका जो गति है, वृत्ताकार हो जाएगा। यहाँ पर मैं सांकेतिक रूप से यदि इस प्रकार से कार को बना दूं, ये सपोज कार है और इसके गति की दिशा ये है, तो क्या होगा, ये कार का जो रोड के साथ में इसके व्हील का, देखो इस प्रकार से यदि यहाँ पर मैं ले जाऊँ तो इसके जो चक्के हैं, चक्के में जो घर्षण होगा, ये जो घर्षण बल होगा वह इस तरफ से केंद्र के तरफ कार्य करेगा, ये मान लो बल एफ है। और चूंकि यह वृत्ति पथ पर गति कर रहा है इस तरह से, इसलिए अभिकेंद्र बल भी उत्पन्न हो जाएगा और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान आर। और आपको ये बात पता है कि अभिकेंद्र बल किसी और बल के द्वारा उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल है वह रोड और टायर के बीच में जो घर्षण होगा इसके कारण वो बैलेंस होगा। मतलब यहाँ पर अभिकेंद्र बल का पूरा मान किस पर निर्भर करेगा, घर्षण बल पर। और ये बात फैक्ट है कि अभिकेंद्र बल के मान को घर्षण बल से कम होना पड़ेगा, क्योंकि यदि अभिकेंद्र बल का मान अधिक हो गया तो अभिकेंद्र बल का मान अधिक होने के कारण कार जो है अभिकेंद्र बल के कारण केंद्र की तरफ पलट जाएगी। तो इसलिए कार को सुरक्षित पार करने के लिए, ठीक है, कार को यदि हमको वहां से सुरक्षित पार करना है, कार को सुरक्षित पार करने के लिए क्या होना चाहिए, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एम वी स्क्वायर अपन आर जो होता है उसको छोटा होना चाहिए, अधिक से अधिक उसके बराबर होना चाहिए, किसके, एफ के, इस बल के घर्षण बल के बराबर होना चाहिए, क्लियर। ये एफ एस है, एक्चुअल में हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हैं, घर्षण आप पढ़ चुके हैं। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपन आर इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एस को हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू आर, जहाँ पर आर क्या है, इस कार पर लगने वाली प्रतिक्रिया बल है, ये आर है और आपको मालूम है कि आर जो होता है वह पिंड के भार के बराबर होता है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वही पिंड का भार होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो एम वी स्क्वायर अपन आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस, इसको आर को लिख सकते हैं क्या अपन एम जी। आगे हम इसको यदि सॉल्व करें तो
तो दोनों तक दोनों पक्षों से m और m कैंसिल हो जाएगा, और दोनों m के कैंसिल होने के बाद हम r को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा वी स्क्वेयर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी। दैट इम्प्लाइज वी निकालना चाहें तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल म्यू एस इंटू आर इंटू जी। तो ये है वेग कार का, इतने वेग से कार को पार करने पर हम वहाँ से कार को सुरक्षित पार कर सकते हैं। और यदि हमको वी मैक्सिमम लेना है कि ड्राइवर वहाँ पर अधिकतम कितना वेग से पार कर सकता है, ये है वी लेस देन आर इक्वल टू, मतलब वी का मान इससे कम होना चाहिए तो सुरक्षित पार करेगा, या अधिक से अधिक उसके बराबर हो सकता है। तो वी मैक्सिमम इक्वल टू लिख सकते हैं अपन रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये यहाँ पर देखो कार को सुरक्षित पार करने के लिए ये वेग है। तो यदि हमको यदि कैलकुलेट करना हो कि एक ड्राइवर को यदि वृत्ति सड़क पर कार को सुरक्षित पार करना है तो अपने वाहन के वेग को उसको अधिकतम रखना पड़ेगा इतना। लेकिन ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखो ये निर्भर करेगा म्यू एस पर, क्योंकि आर और जी तो कांस्टेंट है। आर मतलब वृत्ति मार्ग की क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या को तो हम बदल नहीं सकते। ऐसा कि नहीं कि हम रोड में गए और वहाँ पर हम वृत्त उसकी त्रिज्या को बदल दिया, तो फिक्स है जितनी त्रिज्या का वहाँ पर वृत्ति सड़क बनाया गया है वो उतना ही रहेगा। तो आर नियतांक है, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उस स्थान विशेष के लिए भी नियत है। कहने का मतलब यह है कि वेग जो है वह घर्षण पर निर्भर करता है। दैट मीन्स यदि रोड में पर्याप्त घर्षण ना हो तो हम यहाँ पर इतने वेग से उसको पार नहीं कर सकते। मतलब ये हमारी मजबूरी होती है वहाँ पर कि हमको कार के वेग को इतना रखना पड़ेगा कि जो रोड और टायर के बीच का घर्षण है वो मेंटेन हो सके। तो इसके लिए या तो मोड़ में रोड को खुरदुरा बनाया जाता है, हमारे व्हीकल के कार के पहिए में जो ग्रिप होते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। यदि टायर पुराना हो गया है, घिस गया है, चिकना हो गया है तो पलटने का चांस रहता है, या रोड में आयल वगैरह गिरा है, बारिश का दिन है, रोड चिकना हो जाता है, मतलब जिन जिन कारणों से म्यू एस कम होगा वी को भी कम होना पड़ेगा। और यदि हम वी को कम नहीं किए तो दुर्घटना होगा। ये प्रॉब्लम है इस रोड में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस रोड में कुछ सुधार किया और उसको हम कहते हैं बंकित सड़क। बंकित सड़क क्या होता है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अब रोड का डिज़ाइन ऐसा किया गया कि रोड के त्रिज्या के तरफ को अंदर दबाया गया और बाहर के सतह के ऊपर उठाया गया, और ऐसा करके फिर इस तरह का रोड बनाया गया जिसमें से हम कार को कितने भी वेग से सुरक्षित पार कर सकते हैं। तो टॉपिक क्लियर है आपको, एक बार देख लीजिए इसका, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ बंकित सड़क पर। तो बंकित सड़क क्या है मैं आपको समझा दूँ, पहले यही हेडिंग को मैं करेक्ट कर दूँ, बंकित सड़क पर, बंकित मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड। ये बैंक्ड रोड क्या होता है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए। तो ये मैं अभी रेस कर देता हूँ और बंकित सड़क के सिचुएशन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। आपने यदि नेशनल हाईवे में लंबी यात्रा की होगी और कहीं पर यदि रोड सर्कुलर होगा तो आपने ये बात एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा कि रोड के अंदर के सतह को मतलब थोड़ा सा झुकाया जाता है, इस तरह से रोड को बनाया जाता है। देखो ये मान लो वृत्ति सड़क है, तो यहाँ पर ये मैं स्ट्रेट लाइन खींचा और ये ऊपर के सतह को इतना एंगल से, मान लो बाहरी सतह को क्या किया गया है, थीटा कोण से ऊपर की ओर उठाया गया है। मतलब इस तरह का सिचुएशन है, देखो ये कार है सपोज, ये मैं इसको रोड आपको बता रहा हूँ, ये रोड है सपोज, आप इसको रोड को इमेजिन करिए, ये मेरा जो पट्टी रखा हूँ रोड है, इसमें कार जा रही है। लेकिन यदि ये वृत्ति सड़क हो तो इस तरह से उठाया जाता है इसको, ये वाला जो हिस्सा है वह रोड से थीटा कोण ऊपर उठा हुआ रहता है, तो कार इसमें ऐसे होके गुजरती है, मतलब कार क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। ये सिचुएशन आप समझ रहे होंगे, ये सीधा रोड है और ये बंकित रोड है। देखिए मैं बोर्ड से इसको क्या किया हूँ, थोड़ा अलग किया हूँ, दूर किया हूँ, तो कार ऐसे झुक के जाती है। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशन फिगर है, आप थोड़ा इमेजिन करना कि कोण को थीटा, रोड को थीटा कोण से ऐसे झुकाया गया है। मतलब यहाँ पर यदि मैं शो करूँ तो रोड यदि ऐसा है तो रोड को ऐसा किया गया है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, रोड को इस तरह से झुकाया गया है। अब यहाँ पर आप देखो कि मान लो हम यहाँ पर एक कार
इमेजिन करते हैं कि सपोज ये कार है, मान लो कि ये कोई कार है, इस तरह से मैं सांकेतिक चित्र बना रहा हूँ। यहाँ पर चित्र को थोड़ा ध्यान से समझना। अब ये कार का भार लंबवत नीचे की ओर होगा, mg आपको पता है, और कार की जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो कार पर लंबवत ऊपर की ओर होती है, तो क्या हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा। रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो fs, ये हो जाएगा। अभिकेंद्र बल इस दिशा में होगा, घटकों को ध्यान समझना, तो ये अभिकेंद्र बल होगा क्योंकि केंद्र इधर है, ये हो जाएगा mv2/r, पूरा घटक पर ही बेस्ड है, तो घटक थोड़ा ध्यान समझना। अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कैसा कोण है, एकांतर कोण है यहाँ पर। अब मैं मान लो यहाँ पर लंब खींच दूँ, ये मान लो मैं यहाँ पर लंब खींच दूँ, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये कोण जब थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो 90 θ होगा, और ये 90 θ होगा तो यह भी थीटा होगा, तभी 90 θ + θ 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो fs है इसके हम दो घटक निकालना चाहें, तो ये क्या है, पास वाला घटक है, ये पास है, तो ये हो जाएगा fs cos θ, जो कि पास वाला cos होता है, कई बार यूज हो चुका है, और ये दूर वाला घटक हो जाएगा fs sin θ। ये fs के दो घटक हो गए। उसी तरह से यदि हम r के घटक निकालना चाहें इस r के, तो r का ये वाला घटक पास है तो हो जाएगा r cos θ, और ये दूर वाला घटक है तो ये हो जाएगा r sin θ। तो ये सभी घटकों को आपको यहाँ पर निकालना है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर घटक निकालना। एक बार ध्यान से सुनना, फिर मैं समझा रहा हूँ। रोड को थीटा कोण से झुकाया गया है, थीटा कोण से झुकाने से ये जो घर्षण बल होगा ये प्रतिक्रिया बल होगा, तो यहाँ पर जो घर्षण बल है उसके दो घटक हो जाएंगे, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये थीटा है तो भी थीटा होगा, एकांतर कोण आपको दिख रहा है, एकांतर कोण है, तो यहाँ पर fs का पास वाला घटक fs cos θ, दूर वाला fs sin θ। अब ये थीटा है तो ये 90 θ होगा, तो थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी r का दो घटक, तो r का पास वाला घटक r cos θ, और r से दूर वाला घटक r sin θ। अब यहाँ पर देखो ये जो r sin θ घटक है और fs cos θ, ये दोनों मिलके इसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो r cos θ घटक है वो mg और f sin θ का घटक एक ही दिशा में है, तो इससे ये बैलेंस हो रहा है। इस तरह से कार्य यहाँ पर क्या है, संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। तो इसलिए संतुलन की स्थिति में मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो हमारा कार, तो संतुलन की स्थिति में क्या क्या हो रहा है, mv2/r ये बराबर हो जाएगा r sin θ + fs cos θ के, तो हो जाएगा r sin θ + fs cos θ, ये हो जाएगा पहला घटक। दूसरा यहाँ पर देखो ये जो r cos θ है वो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब mg + fs sin θ = ये बराबर हो जाएगा किसके, r cos θ के। और यहाँ से यदि हम mg का मान निकालना चाहें तो mg बराबर हो जाएगा r cos θ - fs sin θ, दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। ये दो संबंध अपने को मिलेंगे। अब हम क्या करें, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। यदि हम फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आप देखो ये जो m है, m के साथ कैंसिल हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा v2, और ये डिवाइड होगा तो rg v2/rg, और इधर से ये हो जाएगा r sin θ + fs cos θ - r cos θ - fs sin θ। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें, यदि सरल करें तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा v2/rg = यहाँ पर ध्यान देना, मैं अंश और हर से r cos θ कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है, अंश से भी कॉमन कर रहा हूँ r cos θ। तो अंश से r cos θ कॉमन करने पर क्या हो जाएगा, देखो r तो कॉमन हो गया, sin θ में cos θ का भाग होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan θ। यहाँ पर r cos θ कॉमन करूँगा, cos θ कॉमन हो गया तो मिल जाएगा fs/r, ये हो गया fs/r, क्लियर यहाँ तक।
और इसी प्रकार से इसके अपान में क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, यहाँ से भी कॉमन किया तो आर कॉस थीटा कॉमन करूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, वन माइनस यहाँ से एफ एस अपान आर, एफ एस अपान आर और इनटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। क्लियर, दैट इम्प्लाइज आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो वी स्क्वायर अपान आर जी, वी स्क्वायर अपान आर जी इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को टेन थीटा माइनस एफ एस अपान आर, तो क्या होता है म्यू एस, ये होता है म्यू एस के बराबर, म्यू एस इक्वल टू होता है एफ एस अपान आर, तो ये हो जाएगा म्यू एस और अपान वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। दैट इम्प्लाइज इसको उधर ट्रांसफर करूँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू जी अंडर ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस अपान वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। देयरफॉर यदि हम वी निकालना चाहें तो पूरे में रूट लग जाएगा, तो रूट ऑफ आर इंटू जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपान वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ये जो निकलेगा ये क्या है, वेग निकालने के लिए फाइनल इक्वेशन है, मतलब यदि हम बंकित सड़क पर कार का वेग निकालना चाहें तो उसको हम इस फार्मूला से निकालेंगे। क्लियर, अब यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करें कि यदि यदि हमारे रोड में घर्षण शून्य हो, जो कि आदर्श स्थिति है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि मान लो रोड में घर्षण है ही नहीं, घर्षण विहीन रोड है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई सरफेस नहीं हो सकता, ऐसा कोई पृष्ठ नहीं हो सकता जिसका घर्षण पूर्णतः क्या हो, शून्य हो। लेकिन हम यहाँ पर मान लें कि मान लो रोड में घर्षण है ही नहीं है, तब भी कार का वेग कितना हो जाएगा, देखो v इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ ध्यान देना यहाँ पर मैं सभी म्यू एस को जीरो कर देता हूँ, तो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो अंदर बचेगा केवल क्या, टेन थीटा। तब हमारा फार्मूला मिल जाएगा आर इंटू जी इंटू टेन थीटा, और ये होता है इसके वेग का फार्मूला। तो v इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी इंटू टेन थीटा, मतलब यह एक ऐसा सड़क हो गया कि जहाँ पर यदि घर्षण ना हो तब भी ड्राइवर कार को कम से कम इतने वेग से पार कर सकता है और दुर्घटना के चांसेस नहीं होते। इसलिए क्या बनाया गया, बंकी सड़क बनाया गया। तो बंकी सड़क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये आप ध्यान में रखना। अब इसके बाद हमको पढ़ना है बंकी सड़क पर कार की गति के बाद साइकिल सवार की गति, कि साइकिल सवार जब वृत्ति गति को पार करता है, हम लोग बाइक से या साइकिल से जब वृत्ति सड़क को पार करते हैं तो किस तरह का सिचुएशन से हम पार करते हैं, ये हमको पढ़ना, ठीक है। तो तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है घटक को ध्यान में रखना है आप, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वृत्ति सड़क पर साइकिल सवार की गति। तो मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं इसको मैं। ये तीनों टॉपिक इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये टीचर्स हमेशा एग्जाम में इसको पूछते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सब फार्मूला आपको बहुत यूज़ होगा, तो फार्मूला तो आप लर्न करते हुए ही चलिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा वृत्ति सड़क पर, फिर अपन चले आए वृत्ति सड़क पर जो पहले पढ़े थे कार के लिए। वृत्ति सड़क पर साइकिल सवार, यही लिख देता हूँ, साइकिल सवार की गति, मोशन ऑफ है साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर रोड, हेडिंग इसी में सुधार दिए ये। अब यहाँ पर क्या विशेष बात है, आप देखो, आप सोचोगे सर कि कार का पढ़ लिया साइकिल के लिए क्या विशेष स्थिति है। यहाँ पर बंकित सड़क को आप थोड़ा ध्यान से इमेजिन करिए, बंकी सड़क में वास्तव में क्या किया गया, जो रोड में इस तरह से ये कार इस तरह से जा रही थी तो हमने रोड को झुका दिया। रोड को क्यों झुका दिया, ताकि कार को हम थीटा कोण से झुका दें, इस तरह से, माने कार को थीटा कोण से टिल्ट करके झुका के ले जाने पर वो सुरक्षित पार हो जा रहा है। लेकिन साइकिल सवार या बाइक वाले के पास तो ऑप्शन है क्या, यदि रोड समतल भी हो तो खुद को झुका लेता है, कार तो खुद को झुका नहीं सकेगा, उधर के दोनों चक्के उसके हवा में हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो साइकिल सवार के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो
तो खुद को थीटा कोण से झुका के वहां से सुरक्षित पार कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये सिचुएशन समझेंगे, देखो कि मान लो ये वृत्ति सड़क पर कोई साइकिल सवार जा रहा है। अब उसने क्या किया, ये सिचुएशन को समझना, ये उसका स्ट्रेट कंडीशन है, लेकिन अब उसने क्या किया, खुद को थीटा कोण से झुका दिया। यहाँ पर चित्र मैं कुछ अलग ढंग से बना देता हूँ, यहाँ रोड को बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा साइकिल सवार पर यहाँ पर चित्र बनाते हैं। देखिए मान लो ये साइकिल सवार अभी ये ऊर्ध्वाधर जा रहा है, ये इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति, इसको मैं साइकिल सवार बना लिया मान के चलो ना, आप इसको साइकिल सवार मान के चलो, अभी वो स्ट्रेट जा रहा है सीधा, लेकिन जैसे वृत्ति सड़क आया तो साइकिल सवार ने खुद को इस तरह से मान लो झुका लिया। अब उसके झुके हुए स्थिति को समझो, ये पहली स्थिति जब वो वर्टिकल जा रहा था, सीधा जा रहा था, लेकिन जैसे वृत्ति सड़क पर वो पहुंचा तो खुद को इस तरह से उसने बेंड कर लिया, आप सबको एक्सपीरियंस है ये, और मान लो थीटा कोण से उसने झुका लिया। अब यहाँ पर इसके घटकों को देखो तो ये तो इसका अभिलंब प्रतिक्रिया होगा जो ऊर्ध्वाधर ऊपर होता है, ये इसका भार होगा एम जी नीचे, और इस तरह से इसके घटक हो जाएंगे ये, तो वृत्ति वृत्त का केंद्र इधर है तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपन आर। अब यहाँ पर देखो ये थीटा कोण है, दो समानांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये संगत कोण होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा हो गया तो इसके दो घटक हो जाएंगे आर के, ये हो जाएगा आर दूर वाला है तो आर साइन थीटा, और ये पास वाला है तो आर कास थीटा। अब सिचुएशन को आप देखो तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो आर साइन थीटा है वह एम जी से संतुलित होने वाला है और एम वी स्क्वायर अपन आर कास थीटा संतुलित होने वाला है, तो इसलिए संतुलन में जब साइकिल सवार संतुलन में होगा तो एम वी स्क्वायर अपन जो आर होगा अभिकेंद्र बल वह आर कास थीटा से संतुलित होगा, ये हो गया आर कास थीटा क्लियर, और एम जी संतुलित होगा आर साइन थीटा से, एम जी इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा, रिलेशन नंबर फर्स्ट रिलेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट में सेकंड, एक मिनट, ये समानांतर रेखा है इसको तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण को गलत लिख लिया सॉरी मैं, ये थीटा है तो ये थीटा संगत कोण होगा ना, ये थीटा होगा तो उस कंडीशन में ये आर कास थीटा होगा और ये आर साइन थीटा, घटक गलत हुआ तो फार्मूला पूरा गलत हो जाएगा, तो ये आर साइन थीटा होगा, संगत कोण मैंने गलत लिख लिया था वहाँ पर ये। अब फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करो तो फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करोगे तो एम एम कट जाएगा और मिलेगा अपने को वी स्क्वायर अपन आर जी, यहाँ से आर आर कैंसिल होगा, साइन थीटा अपन कास थीटा का मिल जाएगा टेन थीटा, देयर फोर वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा। अब इस सूत्र को आप देखो, यही फार्मूला आया था किसके लिए, कार के लिए, ये सेम फार्मूला आया था कार पर सवार, बंकी सड़क पर चलने वाली कार के लिए। तो यहाँ से क्या बात प्रूफ होता है कि यदि हम साइकिल से जा रहे हों तो वृत्ति सड़क पर रोड को झुककर, यदि रोड नहीं झुका हुआ है थीटा कोण से तो हम साइकिल को ही या कोई भी टू व्हीलर को हम थीटा कोण से झुका के वहाँ पर हम सुरक्षित पार कर सकते हैं। तो यह है वृत्ति सड़क पर साइकिल सवार की गति। तो तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पहले वृत्ति सड़क पर कार की गति, दूसरा फिर बंकी सड़क पर कार की गति, और तीसरा वृत्ति सड़क पर साइकिल सवार की गति। तो तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। बाकी वृत्ति गति से संबंधित जो टॉपिक है हम और पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे उपग्रहों की गति में, वहाँ पर हम देखेंगे कि कक्षीय चाल वगैरह क्या होता है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूँ, वो है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल एक छद्म बल होता है, छद्म बल, छद्म मतलब होता है जो दिखता नहीं, शैडो फोर्स मतलब जिसका अस्तित्व होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो अपकेंद्र बल क्या होता है, देखो अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है, जैसे हम किसी पिंड को वृत्ति गति कराते हैं, मान लो कोई पिंड वृत्ति गति कर रहा है तो वृत्ति गति करने वाले केंद्र के अंदर की ओर एम वी स्क्वायर अपान आर एक बल कार्य करता है जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस बल को संतुलित करने के लिए इससे बाहर एक बल कार्य करते रहता है जो इसका
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, अप केंद्र बल कहलाता है, केंद्र से बाहर की ओर का बल। तो केंद्र से बाहर को लगने वाला जो एक छद्म बल होता है, छद्म, छद्म मतलब होता है आभासी, जो होता नहीं है लेकिन होने का एहसास दिलाता है, वो कहलाता है छद्म बल। मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि वो संतुलित करता है। इसी के आधार पर जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन का ड्रायर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें होता क्या है, देखो कि जैसे इस तरह से वॉशिंग मशीन का ड्रायर है ये, और इसमें होल बने होते हैं इस तरह से। तो यहाँ जब हम गीले कपड़े को डाल देते हैं और इसको रोटेट करते हैं, जब गीले कपड़े को डाल के इसके अंदर में इसको रोटेट कराया जाता है इस तरह से, तो रोटेट कराने से होता क्या है, इसको रोटेट कराने से कपड़ा भारी होने के कारण केंद्र में इकट्ठा, भारी होने के कारण क्या होता है केंद्र में, और वाटर के जो पार्टिकल्स है, पानी के कण हैं, वो दूर चले जाते हैं और ये होल से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा सूख जाता है। ये जो क्रिम पृथककारी होता है, मैं एक एग्जांपल आपको और अच्छा सा बता दूं इसका, क्रिम पृथककारी, क्रिम सेपरेटर मतलब दूध से मक्खन को निकालने के लिए, आपने देखा होगा उसके मशीन भी आते हैं, लेकिन बाय द वे यदि हम घर में निकालें तो मक्खन से इस प्रकार से उसको गोल गोल घुमाते हैं। तो ऐसा घुमाने से होता क्या है, इसको हमको समझना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखो कि ये मैं एक चित्र बना के समझाऊँ आपको। इसमें मान लो दूध और मक्खन एक साथ भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, उसको गोल गोल घुमाया। तो गोल गोल घुमाने से आपको पता है कि मक्खन क्या होता है, इसके किनारे में इकट्ठा हो जाता है पूरे, और दूध क्या होते हैं, किनारे हो जाते हैं। मक्खन केंद्र में इकट्ठा हो जाता है और दूध किनारा हो जाता है। इसका कारण क्या है, यदि हम अभिकेंद्र बल की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले दूध पर मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ आपको, दूध पर अभिकेंद्र बल एफ इक्वल ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान आर। तो दूध के मास को मैंने कह दिया एम वन, मान लो दूध का द्रव्यमान है, दूध के पार्टिकल्स का ना, दूध का मतलब दूध के पार्टिकल्स का, और वी वेग से गति कर रहा है ये आर त्रिज्या के पथ पर, मान लो आर वन त्रिज्या के पथ पर गति कर रहा है, ये है एफ वन, और वेग तो बराबर होगा क्योंकि दूध और मक्खन एक साथ गति कर रहे हैं। इसके बाद मक्खन पर अभिकेंद्र बल, इसको मैं कह दिया एफ टू, तो एफ टू इक्वल टू आएगा एम टू वी स्क्वायर अपान आर वन। अब परंतु हमको पता है कि एफ वन बराबर एफ टू, क्योंकि दोनों में अभिकेंद्र बल हम एक साथ लगा रहे हैं, तो एफ वन अपान एफ टू कर देंगे। तो दोनों के लिए बराबर कर दिया जाए, एम वन वी स्क्वायर अपान आर वन इक्वल टू एम टू वी स्क्वायर अपान आर टू। अब ये दोनों सूत्र को आप देखो तो दोनों तरफ से वी स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको आगे यहाँ लिख रहा हूँ, तो एम वन एम टू को नीचे ट्रांसफ़र कर दो एम टू, और आर वन उधर चला जाएगा, तो आर वन अपान आर टू। अब इस संबंध को आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर एम वन क्या है, एम वन दूध के कण का द्रव्यमान है, और एम टू क्या है, मक्खन के कण का द्रव्यमान है। और नेचुरली ये बात हमको पता है कि दूध के जो पार्टिकल्स हैं वो मक्खन के कंपेरिजन में भारी होते हैं, उसका मास ज़्यादा होता है। तो चूंकि हमको यहाँ पर पता है कि M1 बड़ा है किसे, M2 से, तो जब बाएं पक्ष में M1 M2 से बड़ा होगा तो दाएं पक्ष में R1 बड़ा हो जाएगा किसे, R2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 बड़े त्रिज्या पर गति करेगा और R2 छोटे त्रिज्या पर। तो R1 बड़े त्रिज्या पर गति करने के कारण दूध जो होता है वह किनारे चला जाता है, क्योंकि उसका त्रिज्या अधिक होता है, उसके पथ का त्रिज्या अधिक होता है, और जो R2 है जो कि मक्खन है वो छोटे त्रिज्या पर गति करता है और केंद्र पर इकट्ठा हो जाता है। ये हो जाता है मक्खन, और दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रिम पृथककारी काम करता है, ध्यान में रखना। तो इसके बहुत से डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं, वॉशिंग मशीन का है, क्रिम पृथककारी है। एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ये संबंध को ध्यान रखने से समझ में आ जाएगा। आपने मेले में जब बचपन में या अभी भी मेले में आपने झूला देखा या झूला का यूज़ किया होगा, झूला में बैठा होगा,
तो जो गोल गोल घूमने वाला झूला है जिसमें घोड़े हाथी लकड़ी के बने रहते हैं किनारे में, या फिल्मों में देखा होगा, तो जब ये गोल गोल घूमता है तो आपने एक बात गौर किया होगा कि जिस घोड़े पर बच्चा बैठा रहता है, जैसे किसी घोड़े पर एक बच्चा बैठा है, तो उसका जो पथ है वो ऐसा फैल के गति करता है। लेकिन मान लो सामने कोई घोड़ा है उसमें कोई बच्चा नहीं बैठा है, तो घोड़ा अंदर की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्रिज्या भी ज़्यादा होगा। मतलब यदि भारी चीज़ और हल्के चीज़ को एक साथ वृत्ति गति कराया जाए, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही सब चीज़ है फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट है और ध्यान से समझना है। यदि भारी चीज़ और हल्के चीज़ को एक साथ वृत्ति गति कराएं तो भारी चीज़ अधिक त्रिज्या के पथ पर गति करेगा और फैल जाएगा, और जो हल्का चीज़ होगा वो कम त्रिज्या के पथ पर गति करेगा और वो सिकुड़ जाएगा। क्लियर? तो ऐसा होता है, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्रिम पृथककारी, वॉशिंग मशीन, झूले, ये सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वृत्ति गति का, जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसको ढंग से आप रिवाइज करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बिना एक भी नहीं बनेंगे। तो जब न्यूमेरिकल के पार्ट में मैं आऊँगा तो आई होप कि चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो चुका रहेगा। ओके, थैंक यू।